अब देखो नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर है और वो है बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम, बंध कोटि। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर मींस होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में टू एटम्स जो बॉन्डेड हैं उनके बीच में जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं उसका क्या, बॉन्ड ऑर्डर। समझे बच्चों, दो बंधित परमाणुओं के मध्य के बंधों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, बंध क्रम। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है द्विपरमाणविक अणु तब बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है 1/2 इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स। आप क्या करें, जो दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं उनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और उसे 2 से डिवाइड कर दें, वही क्या होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर। जैसे देखो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन N और N 2p3 2p3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नाइट्रोजन में 3 दूसरे में भी 3 तो टोटल हो गया कितना 3+3 तो ये कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर N ट्रिपल बॉन्ड N। ऑक्सीजन का कैलकुलेट करोगे 2p4 2p4 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 होंगे ना, तो इस तरह से 1/2 2+2 तो ये कितना आएगा 2 मतलब O डबल बॉन्ड O। अगर मैं इसी तरह से कहूँ आपका कि F2 के लिए कैलकुलेट करें बॉन्ड ऑर्डर तो F9 होता है लास्ट में आता है 2p5 ठीक है और दूसरे के लिए आएगा 2p5 तो यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ पर 1 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/2 × 1+1 मीन्स कितना आएगा 1 F सिंगल बॉन्ड F। तो इस तरह से आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी आता है ये फॉर्मूला, मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है आप उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन से। पहला ये है कि जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी या रेजोनेंस जो हाइब्रिड बनता है उसका कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं मैं वो भी बताता हूँ, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब कई बार जब आप रेजोनेंस में आएंगे तो देखोगे कि वहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं एक ही मॉलिक्यूल का, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल होता है विच इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म, तो उस रेजोनेंस हाइब्रिड में जो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है उसका रिलेशन बताता हूं। तो इन रेजोनेंस नासंगर में देखोगे कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स व्हिच आर ऑसिलेटेड बिटवीन टू एटम्स ठीक है ऑफ डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मींस इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स अपॉन में है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल के डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बनते हैं उनमें टू एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स ऑसिलेट हो रहे हैं वो लिखे आप टोटल, और कुल कितने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बने हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स का मतलब एक से स्ट्रक्चर्स ठीक है जो केवल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण अलग अलग दिखेंगे, एटम्स चेंज नहीं होंगे अपनी पोजीशन से, वो है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो इनका रेशियो लोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा। समझ गए बच्चों कि तुल्य अनुनादी रूपों में दो परमाणुओं के मध्य दोलित्र या दोलित बंधों की संख्या वो कितनी बार बदलते हैं और किस तरह से बदलते हैं वो लेंगे, और तुल्य संरचनाएं जो लगभग एक सी संरचनाएं होती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, देखो कैसे इसको मैं मिटा देता हूं। अगर आप CO3 है या फिर हम ये कहें कि बेंजीन है, आप इनमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए सी सिंगल बॉन्ड जो सी के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर आता है तो वो क्या होगा। देखो अगर आप बेंजीन में चले तो बेंजीन में आप देखते हैं कि इस तरह से दो कैनोनिकल फॉर्म या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं ठीक है, ये क्या है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स ठीक है। इक्विवेलेंट केवल इनमें आप देखते हैं कि किसकी पोजीशन चेंज दिख रही है आपको, पाई बॉन्ड्स की, बाकी एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती। अब यहां पर कोई भी एक बॉन्ड ले लो आप, यहां या हम ये टू एटम्स ले लें कि हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, समझ गए। तो अब आप देखोगे कि सी सिंगल बॉन्ड सी, एक बार सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो इसी में एक बार इन्हीं के बीच में क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, तो कुल मिला के कि अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो वो कितना हो जाएगा 3 क्यों किए मैंने, क्योंकि दो एटम्स के बीच में एक बार सिंगल बॉन्ड और एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कुल मिला के दो कार्बन के बीच में जो दो कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में 3 बॉन्ड ऑसिलेट हो रहे हैं और इनके कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो इक्विवेलेंट है वो कितना है 2। तो इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 1.5,
जो कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का एक एवरेज वैल्यू है। तो इस तरह से हम इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा जिसमें हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ये कहता है कि ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड हुआ तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा, 1.5 इस तरह से। तो ना तो डबल बॉन्ड है और ना ही सिंगल बॉन्ड है। ठीक इसी तरह से अगर आप दूसरा एग्जांपल देखें, ये है कार्बोनेट आयन 1, इसका दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें या कैनोनिकल तो 2, और अगर हम इसका थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो वो ये बनता है। कुल मिलाकर ये 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि बिल्कुल एक से है, केवल पोजीशन पाई बॉन्ड की चेंज हो रही है। तो ये तो हो गए 3, ठीक है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ CO3-2। अब आप ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में देखो कुल कितने बॉन्ड्स जो है ऑसिलेट हो रहे हैं। तो देखो एक बार तो डबल बॉन्ड और दो बार सिंगल बॉन्ड हो रहे हैं ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 4, और स्ट्रक्चर ये है तो 4/3, तो 1.33। इसका मतलब है कि जो हम इसका क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, उसका जो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 1.33। ना तो वो डबल बॉन्ड है और ना ही सिंगल बॉन्ड है, बल्कि इनका एक इस तरह से मिक्स फॉर्म है। तो इस तरह के और भी मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे या उनके आइंस मिलते हैं तो उनमें हमें इस तरह का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है, तो इससे भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ गए हो गए आप, इसे नोट करें। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये बता दूं मैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। समझ गए बच्चों, बंध ऊर्जा बंध क्रम के समान होती है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछी गई हो कि मॉलिक्यूल्स आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या आइंस दे रखे हों और आप उनको स्टेबिलिटी बताना हो, तो ध्यान रखें कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने से दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, दोनों के न्यूक्लियस अट्रैक्ट होंगे जिससे उनकी डिस्टेंस, उनके बीच की न्यूक्लियस डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, कम, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होगी। जैसे O2N2F2, अभी मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, आप इससे इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, O2 का 2, N2 का 3, F2 का 1, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, N2 का, तो आप बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा N2 की, फिर O2 की, और उससे कम F2 की। स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पूछा जाए तो इसी ऑर्डर में आएगा। बॉन्ड लेंथ अगर इन तीनों की पूछी जाए तो इसका उल्टा ऑर्डर आ जाएगा। अब आपसे पूछ लिया गया O2, O2-, O2-, O2+, O2+, इनका आप बताएं कि इनकी स्टेबिलिटी या इनका बॉन्ड ऑर्डर या इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो पहले हमें क्या करना होगा, इन सबके बॉन्ड ऑर्डर्स कैलकुलेट करने हैं। O2 का तो अभी हम जानते हैं 2 होता है, आपको O2-1- का, तो O2-1- का मतलब एक O2 में एक O तो नॉर्मल O है और एक में माइनस आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक का 2p4 कॉन्फिगरेशन लास्ट में आएगा, तो एक का आएगा 2p5, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 है, तो 3/2 मतलब 1.5 आएगा। O2-2- का 2p5 आएगा, 1-1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि ये बिल्कुल फ्लोरीन जैसा हो गया, तो यहां पर बनाएगा बॉन्ड ऑर्डर। इसी प्रकार प्लस का कैलकुलेट करोगे तो 2p4 नॉर्मल ऑक्सीजन और एक प्लस वाला ऑक्सीजन तो 2p3, तो कुल मिलाकर यहां 2 अनपेयर्ड, यहां 3, तो कितना हो गया, 2.5, समझ गए ना। इसी तरह से O2-2+ का आप देखेंगे तो ये आएगा 3। अब आप देख लो कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो आप देखोगे O2+ का, ठीक है, फिर O2+ का आया है, ठीक है, ये है 3, ये है 2. अब O2 का आया, इसके बाद क्या आ जाएगा, O2, फिर O2-1- और O2-2-, ये क्या होगा, इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और मैं कहूँ कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर देखें तो बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा लिख दो, मतलब अगर हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखें तो O2+, 2+, फिर O2-1+, फिर O2, फिर O2-1- और O2-2-, तो इस तरह से इनकी ये बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ऐसे N2, N2-, N2+,
इनके भी आप इस तरह से स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से मॉलिकुलर स्टेबिलिटी, उनकी बॉन्ड लेंथ, उनकी बॉन्ड एनर्जी को इफेक्टेड करता है। तो मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर दिखाया, बताया पूरा कैलकुलेशन, आप इसे नोट करें। देखो बच्चों, अभी एक नीट में क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो ध्यान रखें, ये बात ध्यान रखनी है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नॉन एग्जिस्ट, समझ गए ना, मतलब अणु नहीं होगा, अणु अस्तित्व में नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। किसी का बॉन्ड ऑर्डर जीरो का मतलब उसके दोनों एटम्स को जोड़ने वाला कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो हीलियम का अगर आप निकालें H2 का, तो 1s2 1s2 बॉन्ड ऑर्डर होगा, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे इसमें, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा। इसी प्रकार Ne2 का जीरो होगा, ठीक है। अगर आप तो ये है ये एग्जिस्ट नहीं करते, इन मॉलिक्यूल्स का क्या नहीं है, पॉसिबल एग्जिस्टेंस नहीं है। CO का 3 आता है, NO का 2.5 कैलकुलेट करके देख लेना, Cl2 का 1 आएगा। तो इस तरह से इनके बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर आप एग्जिस्टेंस भी बता सकते हैं। जो एग्जिस्ट करता है उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। अगर आप Hg2+ का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो आप देखोगे एक तो Hg+ का 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक Hg का 1s2 मतलब है 0, तो यहां आएगा 1/2 मतलब 0.5 होगा इनका बॉन्ड ऑर्डर, तो Hg2 एग्जिस्ट करेगा। अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट पैरामीटर है और वो है बॉन्ड एंगल थीटा। बॉन्ड एंगल मतलब होता है सीधा है कि एवरेज एंगल बिटवीन टू नियरेस्ट एडजेसेंट बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में दो नियरेस्ट जो एडजेसेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। तो मैंने यही लिखा है कि एवरेज एंगल बिटवीन नियरेस्ट एडजेसेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं बॉन्ड इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। ये है निकटवर्ती बंधों के बीच का कोण को ही हम क्या बोलते हैं, बंध कोण। जैसे ये है ए और ये है बी और बी, तो ये दो एडजेसेंट जो बॉन्ड्स हैं इनके बीच के एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। जो बॉन्ड एंगल है डिटरमाइंस, ठीक है, बॉन्ड एंगल डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, बिकॉज ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल। ये हमने वैसे पर थ्योरी में भी देखा है। वैसे पर थ्योरी सीधा ये कहती है कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड्स पेयर एंड लोन पेयर्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ अराउंड द सेंट्रल एटम कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ उसके बॉन्ड्स पेयर और लोन पेयर्स किस तरह से अरेंज्ड हैं उसके बेस पर ही तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरह से बॉन्ड एंगल जो है, समझ गए ना, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो जो पेयर्स हैं वो किस तरह से अरेंज हैं। तो मैंने यही लिखा है कि बॉन्ड एंगल डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बिकॉज वैल्यू ऑफ थीटा, जो थीटा की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल। और हमने इसको वैसे पर थ्योरी में अच्छी तरह से समझा है, ठीक है, कि अणु की ज्यामिति बंध कोण द्वारा निर्धारित होती है। ये बात सही है, तथा केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंध कोण इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, कि चारों ओर बंध इलेक्ट्रॉन युग्म तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के वितरण पर निर्भर करती है। तो आपको क्या देखना है इसमें डिटेल में, जो है जो मैंने वैसे पर थ्योरी बताई है, ठीक है, वही इसकी फैक्टर अफेक्टिंग है। फैक्टर्स अफेक्टिंग अगर आप देखेंगे इसमें तो वो पढ़ डालें आप, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या बॉन्ड एंगल होगा, कब कितना हाइब्रिडाइजेशन, मतलब सीधा सा है कि आप हाइब्रिडाइजेशन अच्छी तरह से समझोगे तो आपको बॉन्ड एंगल्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं और किस तरह का ज्योमेट्री होती है। इसलिए मैं यहाँ पर आप एक फैक्टर अफेक्टिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये कहाँ देखना है, वैसे पर थ्योरी में। तो इस तरह से मैंने कुल मिला के आपको सारे बॉन्ड पैरामीटर्स बताए,
कौन कौन से थे? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर और एक था बॉन्ड एंगल। तो ये वैल्यू जो है पूरी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को बताती हैं। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ कौन सा चैप्टर, बॉन्ड पैरामीटर्स। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे उसमें हम लेंगे रेजोनेंस और उसकी पूरी डिटेल अच्छी तरह से समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस, क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, सी यू अगेन।